अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार फाइनली घर वापस आ चुके हैं हम साथी से। आपको साथ अपडेट देता रहा हूँ, वहाँ पर फुल एंजॉय किया, जबरदस्त किस्म का वहाँ का गाँव का माहौल था। पहले क्या कहते हैं, शुरू में तो एक दो दिन तो मौसम थोड़ा सा रहा है, गर्मी रही है, लेकिन उसके बाद फिर बारिश हो गई थी तो ठंडा माहौल हो गया था बिल्कुल। यार गाँव के माहौल का एक अपना ही मजा है, बिल्कुल एक अपने लेवल है। वहाँ के बकरियाँ गायें भैंस वगैरह बंधी होती हैं, और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं नाश्ता, उसका मतलब एक कल्चरल माहौल है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल है वहाँ का। तो काफ़ी रंग खराब हो गया मेरा तो वहाँ पर गाँव में, क्योंकि यार पता है बंद घर में रहते हैं, वहाँ उनका खुला एकदम माहौल है। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, तो घर आने के बाद मुझे कॉल आ गई, कहते जी ग्राउंड में आ जाओ, तो अभी पिच वगैरह सेट करनी है। तो शायद है कि आज हम नई पिच बनाए अपनी, तो अभी बाइक तो कोई भी नहीं खड़ी घर में, तो मेरा दिन बन रहा है कि साइकिल खड़ी है ले आने वाली, उसको ही ले जाते हैं। तो उस साइकिल पे जाएंगे आज, आपको साइकिल की सैर भी करवाएंगे साथ साथ, तो चलो चलते हैं वहाँ पर। तो यार मैं आप लोगों की बता रहा था कि गांव का माहौल का और शहर के माहौल का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ सुबह सुबह 4 बजे उठ के लस्सी पियो और नाश्ता करो, उसके अलावा कभी हाथे में जा रहे हैं, कभी हवेली में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी पट्ठे लेने जा रहे हैं, जो गाय भैंस का चारा वगैरह होता है वो लेने जा रहे हैं। यार शहर में तो इंसान ना मतलब कि एक वो जो ज़िंदगी जीता है, ना हिलना ना जुलना, हर जगह बैठे हर चीज़ मिल जाती बैठे बैठे। वहाँ पर बंदा 1 महीना भी रहे ना तो अंदरूनी स्ट्रोंग जो होगा होगा, मतलब कि बाहर से भी स्ट्रोंग हो जाएगा बंदा। तो वहाँ के माहौल से इंसान की ज़िंदगी से बड़ा मतलब कि फ़र्क पड़ता है। वहाँ का जो उनके रहने का लिहाज है, उनके जो उठने बैठने का, लेकिन वहाँ पर एक बात है, वहाँ के जो उनका रहन सहन है ना, वो शहर के रहन सहन में फ़र्क, यहाँ तक है कि गाँव इलाका है, करीब वगैरह कोई वो भी नहीं है, शहर वगैरह भी नहीं है, जिसे हम कहते हैं कोई बर्गर शवारमा वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोटी खाओ, पैदल चलो, साइकिल है, या गधा गाड़ी जिसे कहते हैं वो है, ना बाइक ना गाड़ी कुछ ना कार। तो ये है गाँव का माहौल, पैदल चलते हैं, फिट भी रहते हैं, और उनकी ऐसी ऐसी बॉडियाँ हैं कि हम ऐसी बॉडी जिम जाके नहीं बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ग्राउंड जा रहा हूँ, फिर ग्राउंड जाके ऐसे मिलते हैं। बात तो मैं पता नहीं चला कब हम इतना दूर सफ़र तय कर लिया, काफ़ी दूर लग गया, ये देखिए इर्द गिर्द हरियाली हरियाली है काफ़ी। शायद मैंने आपको ये इलाका नहीं दिखाया पहले, ये न्यू सिटी बनी है दबंग टाउन, वहाँ पर मैं आ गया हूँ, थोड़ा सफ़र रह गया वो तय करके फिर आपको फुल प्रॉपरली बताते हैं। शाबाश शरीफ भाई, बोर तो किता है ना, इन्हें बढ़ाए ने पानी ही रखा है। अबू बकर भाई काम करते हुए अभी और खाने की पड़ लगा पड़ गई अभी आज पहुंच खाना चाहते हैं यार, नहीं मुझे कड़ा लगा ना। ओ काम करो काम करो, पैनिक ही ना करो, बस पूरा कर लांगे भाई की है। यार कर बहुत अच्छी बात भी लगा लिया करो वाड़ा भाई, यार थोड़ी थोड़ी पानी से पानी छिड़कना सोचा सो चार कई अन्य मिनट लगे होंगे, एक नु उठ लगा होंगे कि ओ मैं इतने मिट्टी पा पा रहा है तो चक पीछे कर ऐसे बाबा सारा ही चौंकड़ा बना थोड़े ना जी बने जगह एक बार थोड़ी बात
तो यार बारिश लगा दी है, ये देखिए बली भाई यार ये लड़ने लगे बीच में। भाई का चैनल भी है, सारे सब्सक्राइब कर देना जाके। हाँ इस तरह रैन पीछे ही माड़ा है।